सो हेलो एवरीवन, आप सुबह का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारे टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती है। तो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा, आज बात करने वाले हैं हम लोग दीक्षा एप्लीकेशन की, यानी कि दीक्षा एप्लीकेशन में आप किस तरह से रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे जब आप आती हो तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तभी जाकर के आप इस प्लेटफॉर्म का, इस एप्लीकेशन का फायदा उठा सकते हो। तो इसमें रजिस्टर कैसे करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ये जो दीक्षा एप्लीकेशन है ये किस काम आता है। तो ये जो दीक्षा एप्लीकेशन है ये सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे टीचर्स का क्या फायदा है और स्टूडेंट्स का क्या फायदा है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगी, प्लस रजिस्टर कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आइए मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो दीक्षा एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को फायदा है। अब टीचर्स को इसमें क्या फायदा है, टीचर्स यहाँ से कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं एंड यहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट करने पे उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के माध्यम से होता है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ई बुक्स मिल जाते हैं और कई सारे एक्सरसाइजेस मिल जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स नहीं है और अलग अलग क्लासेस में है वो, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की ई बुक्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आप उसे यूज कर पाएंगे। टीचर्स जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे कम्प्लीट करते हैं वो आपके जो अभी ट्रेनिंग्स चल रहे हैं 50 ट्रेनिंग्स जो आपको करने हैं उसमें काउंट होगा, यानी कि 25 एंड 25 आपको करनी है, 25 आपको इनहाउस ट्रेनिंग करनी है एंड 25 आपको एनसीईआरटी सीबीएसई ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो दीक्षा एप्लीकेशन है यहाँ से जो भी आप करोगे ना वहां से आपका जो सर्टिफिकेट है वो उस ट्रेनिंग के लिए काउंट होता है। और एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ मैं कि दीक्षा एप्लीकेशन में आपको निष्ठा के कोर्सेज भी मिलते हैं, तो दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से आप निष्ठा कोर्सेज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आप दीक्षा एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कैसे करेंगे, यानी कि अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। और ये जो सवाल है ये मुझे पूछा है गौरी त्रिपाठी जी ने, जो कि है मुंबई नाला सुपारा से, और उनके रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो कि आपकी तो मदद करेगी प्लस और भी लोगों की मदद कर देंगी। और गौरी त्रिपाठी जी खुद एक म्यूजिक टीचर है, तो अगर आपको म्यूजिक सीखना है अपनी लोकेलिटी में यानी कि मुंबई नाला सुपारा के नजदीक में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कोई भी फोक, हिंदी, बांग्ला सॉन्ग आराम से सिखा सकती हैं। गौरी त्रिपाठी जी अपनी सिंगिंग में काफी एक्सपीरियंस्ड भी है और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो अगर आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आप गौरी त्रिपाठी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है, जल्दी से जल्दी उन्हें कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप दीक्षा एप्लीकेशन में किस तरह से रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको दीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं साइड में स्क्रीन लगा दूंगी, वहां से पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले जाना है आपको अपने प्ले स्टोर में, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और जो सर्च बार है वहां पे आपको लिखना है दीक्षा। जैसे आप दीक्षा लिखोगे फर्स्ट में ये ऑप्शन आ जाएगा, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। अब इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ओके, क्योंकि आपके हेल्प के लिए मैं ये वीडियोस बनाती रहती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, अब सिंपली हमें ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये आपको इसके एप्लीकेशन में लेकर के चला जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करोगे तो थोड़ा सा समय लगता है इसे ओपन होने में, तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं। आपको कुछ इस तरह का सीन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है, आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, मराठी, जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करूंगी इंग्लिश। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे एंड देन उसके बाद में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक टीचर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप पेरेंट्स हो। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बताना भूल गई थी। तो सभी के लिए है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबके लिए है।
मैं एक टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करूंगी, अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। टीचर पे सेलेक्ट करने पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है स्कैन क्यूआर कोड, अब हमारे पास कोई क्यूआर कोड है ही नहीं तो फिर हम कैसे स्कैन करें, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है वहां पे क्लिक करेंगे। नीचे सेलेक्ट बोर्ड पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना सीबीएसई एनसीईआरटी सेलेक्ट कर लेती हूँ, अगर आप स्टेट से हो तो आप स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हो नीचे स्क्रॉल करके। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में नीचे में आपको मिलेगा सबमिट का बटन, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है। ओके, मीडियम में आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपको चाहिए तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, आपको चाहिए हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब एक से ज्यादा मीडियम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको चूज करना है क्लास, क्लास में जैसे ही टच करोगे अलग अलग क्लासेस ओपन हो जाएंगे, आप चाहे तो एक क्लास चूज कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 to 5 सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद में करेंगे फिर से एक बार सबमिट, और जैसे ही सबमिट करेंगे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा आपका स्टेट, स्टेट चूज करने के लिए जैसे इस पर टच कीजिए, पहले यहाँ पे बिहार सिलेक्टेड है, अगर आप बिहार से हो तो अच्छी बात है, और अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो स्क्रॉल डाउन करके आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका स्टेट सिलेक्टेड हो जाएगा। अब आती है डिस्ट्रिक्ट की बारी, इस पर टच कर दीजिए और आपका डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, फिर से एक बार सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड और एक बार सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद में कुछ इस तरह से आपको सीन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको इसे क्रॉस कर देना है। अब आपको नीचे में एक मैन का आइकन दिखाई दे रहा होगा सबसे राइट साइड में, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा गेस्ट, यानी कि अभी आपका गेस्ट प्रोफाइल है, आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है। तो अब लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, नीचे आप इसे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम या फिर गूगल। आप चाहे तो गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ये आपको कुछ इस तरह के पेज पे लेकर के चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी इस तरह का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ईयर पे सेलेक्ट करेंगे और आप जिस भी ईयर के हो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो बर्थ हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। सेकेंड में आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम, तो चलिए मैं फटाफट से नाम लिख लेती हूँ। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, तो आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देने से क्या होगा कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आप उससे लॉगिन कर पाएंगे, और ईमेल एड्रेस में भी वही होता है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे दूंगी और जस्ट सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करते समय याद रखिएगा कि +91 ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, तो आपको नंबर के आगे +91 नहीं लगाना है, आप सिंपली अपना 10 डिजिट का नंबर डाल दोगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और कुछ नंबर्स होने चाहिए उसमें, ठीक है? और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ #, इस तरह के कुछ एक कैरेक्टर होने चाहिए। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब नीचे में जो पासवर्ड है वो एक बार फिर से इंटर करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है री इंटर द पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे एक बार फिर से पासवर्ड इंटर कर देना है। तो पासवर्ड को री इंटर करने के बाद में नीचे में आपको एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको टिक कर देना है एंड देन सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये 1 टाइम पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि मैंने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पे ओटीपी आएगा और ये ओटीपी आ भी चुका है। अभी इस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया होगा रजिस्ट्रेशन में, वहां पे आपको तुरंत एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, अब सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है।
अगर ओटीपी नहीं आया है तो आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी एक बार और आपको भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना है और पासवर्ड फिलअप करना है एंड देन आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं लॉगिन करके भी आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिलअप कर दिया है, अब सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मिलेगा। अब आपको फिर से यहाँ पे टीचर पे सेलेक्ट कर देना है अगर ये दोबारा आ जाता है एंड देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में फिर से एक बार जो भी डिटेल पूछा जा रहा है वो फटाफट से सेलेक्ट करते जाइए, क्योंकि आपने पहले इसे सेलेक्ट किया हुआ था तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से जो भी आपसे पूछा जाए वो आप सेलेक्ट करते जाइएगा, जो भी आपने पहले सेलेक्ट किया था वही। तो मैं इसे कर लेती हूँ एंड देन लास्टली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा तो सिंपली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी आपको फटाफट से सेलेक्ट कर लेना है एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। ये सारी चीजें आपको तभी भरनी है जब ये आपसे दोबारा पूछे। अब देख सकते हैं इसका जो मेन पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ये मैन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जहाँ पे गेस्ट प्रोफाइल दिख रहा था वहां पे अभी नाम दिखने लगेगा जिस भी नाम से आपने रजिस्टर किया हुआ होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक और आइडिया मैं बता देती हूँ रजिस्टर करने का, जो काफी ज्यादा आसान है, एकदम आसान, इतना लंबा चौड़ा करने का भी दरकार नहीं पड़ेगा आपको। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग फिर से एक बार गेस्ट प्रोफाइल में आ चुके हैं। अब फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर से हमें ये तीन ऑप्शन मिल जाएगा और अब की बार हमें रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं करना। सिंपली नीचे में जो साइन इन विद गूगल का ऑप्शन दिखाई देता है वहां पे आप टच करोगे, आपके मोबाइल पे जितने भी गूगल अकाउंट बने हुए होंगे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। अब उसके बाद में जो भी आप ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं अपने अकाउंट के लिए वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे केवल एक ईमेल आईडी है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ और जैसे ही इसे सेलेक्ट करूंगी ना ये ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिलअप कर लेगा। अब यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं छोटे से बॉक्स पे आपको टिक कर देना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब फिर से आपको टीचर्स वगैरह जो मैंने सेलेक्ट करने के लिए बोला था वो सारी चीजें सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो काम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है ना उससे बच जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप किस तरह से रजिस्टर करेंगे। आप चाहें तो लॉन्ग प्रोसेस से भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने डायरेक्ट गूगल अकाउंट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी मानिए तो दोनों से रजिस्टर करके रखिए। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से वो लॉगिन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके तो आप लॉगिन कर ही पाओगे। सारी चीजें मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।